नमस्कार, आज मैं चकली बनाने जा रही हूँ। और ये चकली मुझे मेरी दीदी मिर्जा भटीले ने ही सिखाई थी। सबसे पहले हमने उनसे ही चकली बनाना सीखा था। और चकली बनाने के लिए देखिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये देखिए, ये मैंने मैदा ली है, ये जो एक कटोरी मैदा ली है उसी कटोरी से तीन कटोरी मैदा ये है और एक कटोरी मैदा ये है और एक कटोरी ये मैंने चावल का आटा लिया है। और ये मैंने तिल लिए हैं पौन कटोरी। आप अपने हिसाब से तिल जितना भी आपको डालना चाहें आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और ये मैंने लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून है, लेकिन आपको मिर्च भी अपनी आवश्यकता के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। और ये नमक है स्वादानुसार। और ये हींग भी मैंने चुटकी भर हींग लिए, हमारी हींग बहुत अच्छी हींग है तो इसलिए ये मैंने चुटकी भर हींग ली है। और इनको सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको मैदा को स्टीम लगाना है, स्टीम देना है। और देखिए अब मैं इसको ये मैदा सारी और इस मैदा में जो ये चावल का आटा है इसको मैं पूरी तरह से मिला देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये चावल के आटे को मैदा में मिला देना है। और देखिए अब मैं चकली बनाने के लिए पहले मुझे इसमें मैदा में स्टीम लगानी है। तो स्टीम लगाने के लिए मैंने देखिए इस कंटेनर में पानी ले लिया है, मैंने 2.5 गिलास पानी रखा है और एक नीचे मैंने स्टैंड रख दिया है। और इस स्टैंड के ऊपर मैं फिर इसको जो इस कटोरी में मैंने ये रखा है इसको रख रही हूँ। और इसको रखने के बाद मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ। देखिए और इस तरह से ये ढक्कन लगा देती हूँ। और हमको स्टीम 40 मिनट के लिए लगानी है, 40 मिनट तक हमको इसमें स्टीम लगानी है। अभी थोड़ी जब तेज़ होने लग जाएगी तो हम गैस को मीडियम करेंगे, धीमा नहीं करेंगे, मीडियम करेंगे बस। और 40 मिनट तक हमको स्टीम लगानी है। और देखिए अब इसमें स्टीम लगाए हुए मुझे पूरे 40 मिनट हो चुके हैं। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। और गैस को बंद करने के बाद मैं इसको खोलूँगी। देखिए अब मैं इसे खोलती हूँ और इसको कंटेनर से बाहर निकालती हूँ। और बाहर निकाल कर मैं इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ। और देखिए इसको स्टीम लगाए हुए मैदा को मुझे बाहर निकाले हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये ठंडी हो चुकी है। और इसको मैं मिक्सी में डालकर पीसती हूँ। और देखिए और मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है और इसको मैं मिक्सी पीस कर भी छान रही हूँ। और देखिए ये मेरा चावल, ये जो मैंने स्टीम लगाई थी आटे में, वो मेरा ये मैदा मेरी पीस ली है मैंने और छान ली है। और इसमें भी तिल मिला दे रही हूँ, हींग मिला दे रही हूँ और 1 टेबल स्पून रिफाइंड मोयन डाल रही हूँ और नमक और मिर्च। और इस तरह से ये आटा मढ़कर तैयार है और अब मैं चकली बनाने जा रही हूँ। इस तरह से ये मैंने सांचा ले लिया है और इस सांचे के अंदर जो मैंने ये मैदा मारी थी इस मैदा को अंदर भरने जा रही हूँ। इसलिए सबसे पहले इसको मैं चारों तरफ से इसमें ऑयल लगा लेती हूँ। ये मैंने रिफाइंड ऑयल इसमें लगा दिया है। अब इसको रख इसमें ये पेस्ट और जो ये आटा गूंदा था और इस आटे को इसमें भर दे रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं इसको, और देखिए इस तरह से ये बड़े छेद वाली नीचे चलनी लगाई है और ये इसको इस तरह से मैं बना रही हूँ। और इस तरह से ये चकली बनानी है। अब मैं इनको सेकने के लिए जा रही हूँ और कढ़ाई में मैंने गैस जला दी है, तेल गरम कर रही हूँ तेज गैस पर। इसको इसके कढ़ाई में तेज गरम होना चाहिए। अगर गैस धीमी हुई तो ये चकली बिखर जाएगी।
और ये हमको तब पलटनी है जब ये अच्छी तरह से सिक जाएं, नहीं तो ये अपने आप में बिखर जाएंगी। और देखिए इसको एक तरफ से सिकते हुए डेढ़ से पौने दो मिनट हो गया है और ये अब लग रहा है कि अब हमको इसको पलटना है, तो अब हम इसको पलट देंगे। अगर हमने इसको कच्चे पर ही पलट दिया तो ये बिखर जाएंगी। और देखिए अब हमको इनको ज़्यादा नहीं सिकना है, बस ये इनको हमको हल्की गुलाबी सी रखनी है। अगर ज़्यादा लाल हो जाएंगी तो ये कड़वी हो जाती हैं। तो देखिए अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। और इस तरह से हमको नैपकिन पर निकालना है जिससे ये एक्स्ट्रा ऑयल को सोक कर लें, एक्स्ट्रा ऑयल जो इनमें से निकल जाएगा। और देखिए एकदम बहुत सॉफ्ट और कितनी एकदम बढ़िया बनी है, देखिए एकदम सॉफ्ट है ये।